camp. Wow. Yes. Leva? Yes. No. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल जाने, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ जो मैंने बनाई थी मम्मी के घर पे। मैं अम्मी घर गई थी तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त जो है हमारा लसानिया बनाने का मूड था। मेरा तो खैर नहीं था, सिस्टर ने बोला कि चलो आप ही हम लसानिया बनाते, तो मैंने कहा क्यों ना मैं रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लूं आप लोग के लिए। तो इधर मैंने लसानिया का वन पैकेट लिया है, ये मारियो का है लसानिया का वन पैकेट पूरा। तो वन पैकेट पूरा मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और पानी बॉयल करने के लिए रख दिया। इधर मेरे पास थी 4 से 5 अदद बोनलेस चिकन थी, उसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए। और अब इधर जो है पानी बॉयल हो चुका था, पानी में बॉयल आ गया था, तो उसके अंदर हमने अपने लज़ानिया ऐड कर दिए थे। वन वन करके हमने पूरा पैकेट ऐड कर दिया था, लेकिन हमसे एक मिस्टेक हो गई थी क्योंकि हमें थोड़े से और खुले पतीले में ज़्यादा पानी के अंदर बॉयल करने थे ताकि ये टूटे नहीं। मुझसे एक मिस्टेक हुई, मैंने सब एक साथ डाल दी और पानी थोड़ा सा कम था, और सिस्टर ने जो ये फोक जो है वो बीच में ऐड कर दिया, तो कुछ कुछ जो है वो मुझसे थोड़े टूट गए थे। तो चले जी कोई बात नहीं, खाना हमें तोड़ के ही थे, तो मैंने कहा चलो जी जाने तो खैर हो गई। अच्छा, वो हमारे बॉयल हो गए। बॉयल होने के बाद मैंने एक तरफ पैन रख दिया, उसके अंदर मैंने डाला है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है हमने। उसके अंदर मैंने 2 चॉप्ड ऑनियन, 2 हमारी प्याज, नॉर्मल मीडियम साइज़ की हमारी प्याज थी उसका मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, वो मैंने ऐड कर दी अपने पैन में। हल्की सी वो पिंकिश सी हुई, हमें ब्राउन नहीं करनी, लाइट सा हमें इसके अंदर कलर ऐड करना, लाइट सा कलर हमने ऐड कर दिया। नाउ वी ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो हमने इसके अंदर ऐड किया है अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, उसको हमने अच्छे से किया मिक्स। उसके बाद मैंने लिया है 1 टोमेटो, देख सकते हैं आप, 1 टमाटर मैंने क्यूब्स में ऐड किया है, और अपनी सारी चिकन जितनी मैंने बोनलेस क्यूब्स किए थे वो मैंने ऐड कर दिए। अब मैंने उसको थोड़ा सा जो है वो भूना स्पून से। भूनने के बाद हमने इसके अंदर ऐड की थी टोमेटो प्यूरी, थोड़ा सा हम इसको चम्मच से हिलाएंगे कि अदरक लहसुन में जो है हमारी चिकन अच्छे से भुन जाए ताकि चिकन की स्मेल जो है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड की थी टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी मेरे पास रेडीमेड रखी थी मम्मी के घर पे, पूरा रेडीमेड था प्यूरी जो मिलती है बाहर, तो वो रखी थी तो मैंने वही ऐड कर दी। और अगर आप लोग के पास ना हो तो आप 2 टोमेटो को जो है ग्राइंडर में ग्राइंड करके अच्छे से उसकी प्यूरी बना लें। तो 5 से 6 चम्मच जितनी जो है मैंने इसके अंदर प्यूरी ऐड की थी वो ऐड की। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा भूना, भूनने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड की ये मसाले। सो ये देखें, अच्छे से जो है मैंने इसको प्यूरी के अंदर थोड़ा सा भून लिया था और हल्का सा ऑयल ऊपर आने लगा, तो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं मसाले। मसाले मैंने ऐड किए हैं 1 टेबल स्पून जितना मैंने रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है, नमक, और थोड़ा सा मैंने ऐड किया था इसके अंदर ब्लैक पेपर, और इन सब को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। लाल मिर्च, कुटी मिर्च और थोड़ा सा नमक और हल्की सी ब्लैक पेपर एंड 1/2 टीस्पून जितना हमने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया था, सब कुछ मिक्स किया, और उसके बाद मैंने इसको ढक दिया 5 मिनट्स के लिए। तो हमारा मसाला चिकन का हो गया रेडी। नाउ हम तैयारी करेंगे हमारे वाइट सॉस बनाने की, जिसके लिए मैंने लिया है 3 टेबल स्पून जितना मैदा, बटर है हमारे पास, मिल्क है, और मेरे पास था 2 चम्मच 3 चम्मच जितनी क्रीम मायोनीज़। तो सबसे पहले हमने फ्राई पैन में बटर ऐड किया। बटर ऐड करने के साथ हमने 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड किया।
बटर और ऑयल हम एक साथ थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि हमारा बटर जो है वो जले नहीं और अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बटर को हमने जो है ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लिया और मेल्ट हो गया। जब हमारा बटर और ऑयल मेल्ट हो गया तो हमने इसके अंदर ऐड किया था 3 टेबल स्पून जितना मैदा। मैदा ऐड की करने के बाद हमने उसको थोड़ा सा चम्मच से हिलाया। फिर उसके अंदर मैंने ऐड किया था मिल्क। मिल्क ऐड करने के बाद हम उसको थोड़ा सा और तेज़ी से चलाएंगे। नाउ मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 से 3 टेबल जितना क्रीम मायोनीज। ये मेरे पास क्रीम एंड मायोनीज मिक्स था वो मैंने ऐड किया। आप लोग के पास नहीं है तो आप 3 टेबल स्पून जितना मायोनीज ऐड कर दें। क्रीम इतनी ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ऐड कर दें वरना ऑप्शनल है। तो 3 टेबल स्पून जितना मायोनीज ऐड किया मैंने, इसको मैंने किया अच्छी तरह मिक्स। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर डाली थी 1.5 टेबल स्पून जितनी रेड चिली फ्लैक्स एंड ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट। तो इन तीनों चीज़ों को डाल के मैंने अच्छी तरह कर लिया मिक्स। नाउ बारी आ गई है हमें जो है वो लज़ानिया। अच्छे से जो है हम इसकी लेयर्स लगाएंगे और उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे थोड़ा सा ब्रश से ऑयल लगा दिया। ये मेरे पास माइक्रोवेव डिश थी, उसके अंदर मैंने नीचे थोड़ा सा ऑयल लगाया, लज़ानिया रखा, लज़ानिया के स्ट्रिप्स हमने रखी। उसके बाद मैंने उसके ऊपर डाली चिकन की ग्रेवी। चिकन की ग्रेवी हम अच्छी तरह से इसके ऊपर लेयर करेंगे कि अच्छे से सब जगह मसाला चिकन दोनों जो है हमारे आ जाए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ऐड की सॉस की लेयर। सॉस देखिए हमारा थोड़ा सा थिक मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा मैंने पतला नहीं किया क्योंकि फिर वो खाने में अजीब सा लगता है। सो सॉस की लेयर्स लगाई। उसके बाद हमने इसके ऊपर ऐड किया चीज़। तो खूब सारा चीज़ हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा बेक करने के लिए। ये देखें अच्छे से जो है मैंने लेयर्स लगा दी थी और सबसे लास्ट में मैंने खूब सारा ऊपर चीज़ ऐड किया और उसके ऊपर मैंने डाली थोड़ी सी ओरिगानो और रेड चिली फ्लेक्स हमने ऊपर झिड़क दिया। और उसके बाद मैंने एक पतीला लिया, उसको मैंने अच्छे से हीटअप किया। उसके अंदर मैंने रखा स्टैंड और स्टैंड के ऊपर हमने रख दिया अपना माइक्रोवेव डिश और 15 to 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको रहने दिया पतीले में। और उसके बाद आप लोग देख सकते कितना ज़बरदस्त जो है अच्छे से चीज़ पूरा मेल्ट हो चुका था अंदर से जो है एकदम बहुत ही कोई मज़ेदार और टेक्सचर और टेस्ट, ओ माय गॉड, मैं आप लोग को बता नहीं सकती इतना कोई टेस्टी बना था कि अभी आगे चल के आप लोग को मैं लाइबा का रिव्यू सुनाऊंगी मेरी बहन का कि उसको खाने में बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही टेस्टी बना था। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी
तो अगर आप लोग पतीले में नहीं ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप लोग 180 डिग्री पे इसको 10 टू 15 मिनट्स के लिए बेक कर लें, तो अच्छे से ये जो है अंदर से मेल्ट भी हो जाएगा और ऊपर से चीज़ भी जो है इसका मेल्ट हो जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जो है ये लग रहा है। मुझे अभी जो है रेसिपी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है और बहुत मज़े का बना था, टेस्ट और हर चीज़ जो है बहुत अच्छी थी। सो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर अभी तक लज़ानिया आप लोग ने ट्राई नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगी हमारी आज की रेसिपी, कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। और अगर हमारी इस रेसिपी या मेरे व्लॉग आप लोग को पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट रेसिपी में अच्छी सी या फिर कोई अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफ़िज़। अब जो अलवीना हमें रिव्यू देगी, अलवीना कम ऑन। सो इधर जो है सब एंजॉय कर रहे हैं, इसको हमने पैक कर दिया है। अलवीना यमी, यस। लैबा देखिए अंदर से चीज और हर चीज जो है हमारी मेल्ट हो चुकी है।